1 जून से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है और सभी क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है तो 4 जून को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले का, लेकिन इस मुकाबले से पहले ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, या यूं कहे कि भारत पाक मुकाबले से पहले ही माइंड गेम की शुरुआत हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बयान आया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुखिया चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक की तरफ से। इस बार भारत को हराए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर इंजमाम ने उम्मीद जताई है कि इस मैच में जीत पाकिस्तान की होगी। इस बाबत इंजमाम-उल-हक ने कहा, बड़े टूर्नामेंट्स में भारत के खिलाफ हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हर दिन नया होता है और मुझे भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी भारत के खिलाफ पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम ने भारत को 2 मुकाबलों में मात दी है। सबसे पहले एजबेस्टन में 2004 में हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया था और फिर सेंचुरियन में 2009 में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भी पाकिस्तान ने भारत पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि इस साल भी भारत पाक का मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाना है। हमेशा से ही भारत पाक का मैच भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल अब तो ये 4 जून को ही पता चलेगा कि मैदान पर पाकिस्तान के गेंदबाजों का दबदबा रहेगा या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज अपनी काबिलियत के दम पर पाक गेंदबाजों की बखिया उधेड़ेंगे।